का नाम निर्मला है, निर्मला जी अपना से आई है। हम बदरपुर बदरपुर बॉर्डर से ICPS डिस्पेंसरी पे आता है। आप कितने दिन से काम कर रहे हैं आशा वर्कर? हम 2008 से कर रहे हैं सर। आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेके आई है? हमारी मांग ये है कि जितने सरकार के प्रोजेक्ट के काम होती है आशा वर्कर ही करती है। NC से लेकर PNC बच्चा के टीकाकरण जितने सरकारी काम है, जो NMO काम करती है, जो डॉक्टर काम करते हैं, वही काम हमसे कराया जाता है। तो हम लोग का ये मांग है कि जब आप सरकारी कर्मचारी हो तो सब कुछ दे रहे हो, तो हमें क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों काम तो हमें सरकार से ही ले रहे हो, सरकार से ही सरकारी काम ही हमसे ले रहे हो, तो हमें सरकारी क्यों नहीं बनाया जा रहा है? हमें इंसेंटिव दिया जाता है, इंसेंटिव हम क्यों ले? क्योंकि इंसेंटिव हमें इन्होंने बकरे के बलि बना दिया है। इंसेंटिव में ये कहती है कि इंसेंटिव क्या है सर, इंसेंटिव देते इन्हें समझ में नहीं है कि हम इंसेंटिव क्या दे रहे हैं। इन्होंने इंसेंटिव में दिया कि 4 PNC होना चाहिए। अगर अब हम किसी लेडीज़ को 4 बच्चे कहाँ से पैदा करा सकते? जिसको पेट में बच्चा होगा, जो गर्भवती माँ होगी, उसी के तो बच्चा होगा। फिर इन्होंने अगर 4 नहीं हुई, कोई बीमार पड़ गई, देर से हॉस्पिटल से छुट्टी हो गया या गाँव चली गई, तो हमारी टारगेट काट दी जाती है। आप भी कहते हैं कि 9 महीने के टारगेट के, सुनिए, 9 महीने के बच्चे को टीका कम से कम 6 होना चाहिए। अगर वो बच्चा बीमार हो गया, हॉस्पिटल से नहीं छुट्टी हो गई, तो हमारी टारगेट काट दी गई, 2 टारगेट तो गई हमारी। अभी मांगते हैं कि 6 बूस्टर ले आओ। अगर बच्चा 18 महीना के नहीं हुआ, क्योंकि ये टीका सिर्फ 18 महीना के बच्चों से ही लगता है, फिर हम 18 महीना के टीका इनको लगा के कहाँ से दें? हमारी 3 टारगेट तो चली गई। फिर मोनिका राणा से हम पूछते हैं कि आप हमें इंसेंटिव पर वेतन कैसे दोगी? इसलिए हम जितने डिस्पेंसरी के आशा हैं, सबके एक ही मांग है कि हम काम तो कर रहे हैं सरकार के ही, जितने सरकारी काम है वही हम ही करते हैं, तो हमें सरकारी घोषित करने में सरकार की क्या परेशानी है, और हमारी वेतन बांधने में उनके क्या परेशानी है? जो हमें 2008 से 10 साल हो गए सर, 25 रुपया में काम किए, 500 में काम किए, अमाउंट का हम लोग जब 2008 में हमारी बहाली ली गई, तो हमें खसरे के सिर्फ 25 रुपया दिया जाता था। तो उस अवस्था में जब हम काम किए, तो अब मोनिका राणा कह रही है कि अगर हम तुम्हारी वेतन कर देंगे तो कोई ऐसा काम करेगी? कोई नहीं करेगी। तो आपके माध्यम से हम मोनिका राणा जी से पूछ रहे हैं कि तेलंगाना सरकार किस बेस पे दे रही है, हरियाणा सरकार किस बेस पे दे रही है, बिहार सरकार किस बेस पे दे रही है कि मोनिका राणा हमसे बेस पूछ रही है? मोनिका राणा कौन है? मोनिका राणा हमारा आशा मिशन डायरेक्टर है, जो हमारे कार्य को डायरेक्टर करती है, वही है मोनिका राणा। लेकिन हम लोग राज्य सरकार के अंदर रहते हैं, केजरीवाल के अंदर, तो केजरीवाल हमारी वेतन क्यों नहीं बांधते हैं, हमें क्यों इंसेंटिव पर लटका रखे हैं? इसलिए हमें सरकार से एक ही मांग है कि हमें इंसेंटिव नहीं, वेतन दो, क्योंकि इंसेंटिव हम लेकर नहीं रहेंगे। 2008 से काम करते करते हम लोग का बहुत शोषण किया गया सर। मास्टर प्लान का सर्वे आया, सारे मास्टरों ने हाथ उठा दिया, हम सर्वे नहीं करेंगे। हमें 1500 पर जबरदस्ती कराया गया। अभी 6 महीने पहले मास्टर प्लान का सर्वे आया, जो मास्टर प्लान 15,000 रुपया लेके सर्वे करते थे, सारे सरकारी स्कूल मास्टरों ने हाथ उठा दिया, हम सर्वे नहीं करेंगे, क्योंकि उनको 15,000 मिलता था। हम आशाओं को मोनिका राणा जी ने 1500 में करवा ली जबरदस्ती, धमका के कि तुम्हें आशा से निकाल दिया जाएगा। सर जब हम कर्मचारी हैं NRCM के, और काम कौन कौन हमसे ले रहा है? MCD ले रही है, WHO ले रही है, NRCM ले रही है, काम तो 3 संस्था ले रही है, और हमको अटकाया किस में गया है? इंसेंटिव पे। कितना भी दो काम करने के हम तैयार हैं, लेकिन हम इंसेंटिव नहीं, हम वेतन लेंगे, वेतन लेंगे, हम इंसेंटिव नहीं, हम वेतन लेंगे। इनकी मांग है, 2008 से काम कर रहे हैं, और इनका मानना है कि जो दिल्ली सरकार के जो कार्य होते हैं, जो दिल्ली सरकार के काम होते हैं, वो हमें दिए जाते हैं। आइए और जानकारी लेते हैं।